विधायक और पूर्व में उत्तराखंड सरकार में मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी और यहाँ के हमारे रुद्रपुर क्षेत्र के आज के जहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है हमारे आदरणीय शिव अरोड़ा जी, विधायक काशीपुर आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, भाई विकास शर्मा जी, पूर्व विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी, आदरणीय सुरेंद्र मोहन संगल जी एवं मंच पर विराजमान हमारे अजय प्रेम सिंह राणा जी समेत हमारे इकबाल सिंह जी, गुरविंदर सिंह चंडोल जी, हमारे गांधारी जी और राजपाल जी समेत सभी हमारे, अब मैं सबका नाम लूँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, ये बड़ी लिस्ट है, तो इसलिए सभी हमारे उपस्थित भाई कमल जिंदल जी, भाई सुपीजा जी, हरविंदर सिंह विर्क जी, राजेश जी, कमल जिंदल जी, इकबाल सिंह जी एवं सभी आए हुए, सभी हमारे सिख समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, सभी हमारे जन प्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे ऐसे बड़े बुजुर्ग जिनको आज हम युवा कह सकते हैं, जिनके अंदर युवाओं जैसा जोश है, क्यों मक्खन भाई सही कह रहे हैं, और बड़ी संख्या में पधारे हमारे सभी युवा सिख भाइयों एवं बहनों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो आज मुझे लगता है कि हमारे इस कार्यक्रम का संयोजन करने वालों को भी आप सबका जो जुड़ाव, आप सबका जो प्रेम, आप सबकी जो भावनाएं हैं, शायद उसको समझने में थोड़ी सी न्यूनता उन्होंने कर दी, अन्यथा ये कार्यक्रम के लिए जो हॉल है ये 1/10 है जितनी संख्या में देख रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप पूरे जनपद से यहाँ पर पधारे हैं, और आप सबके इस प्रेम के लिए, आपके इस सम्मान के लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, और आज इस मंच से गुरु नानक जी से लेकर दशमेश गुरु तक सबको मैं नमन करता हूं कि उनकी कृपा से आप सबका जो प्रेम है आज प्रदेश के अंदर जो अनेकों अनेकों कार्यों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, जो सेवा भाव है, और विषम परिस्थितियां और चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन हमारे गुरु नानक जी से लेकर सभी दशमेश तक सभी गुरुओं का जो आशीर्वाद हम पर है, हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, उनको भी मैं नमन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये सेवा भाव, ये उत्तराखंड की सेवा करने का जो भाव है, समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने का जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, वो संकल्प हमारा और मजबूत हो और ये सेवा भाव दिनों दिन मेरे अंदर बढ़ता रहे, जिससे मैं अपने दायित्व के साथ न्याय कर सकूं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं तराई की धरती, इसको आबाद करने हमारे सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने इस तराई को आबाद करने के लिए कठिन परिश्रम किया, प्रथम गुरु गुरु नानक जी से लेकर दशमेश गुरु सबका किसी न किसी रूप में उनके यहाँ चरण पड़े हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिला है, और उनके आशीर्वाद से ये धरती लगातार कृषि प्रधान के क्षेत्र में, आज इंडस्ट्री के क्षेत्र में, आज विकास के क्षेत्र में, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैं कहूँ मिनी भारत, लघु भारत यानी मिनी इंडिया का स्वरूप यहाँ से जो है पूरी दुनिया के अंदर जाता है, पूरे भारत के अंदर जाता है। भाइयों बहनों, गुरु नानक जी से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक सभी हमारे
जितने भी गुरु हुए उन्होंने हमेशा राष्ट्र को प्रथम रखा और पूरे राष्ट्र को और धर्म को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। उसके लिए उन्होंने जितनी कुर्बानियां दी वो हम सब लोग भली भांति जानते हैं, इसीलिए आज भी हम उनका स्मरण करते हैं। आज बड़ी श्रद्धा पूर्वक हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस मनाने का जो संकल्प लिया था, पूरे देश के अंदर दुनिया के अंदर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। ये थोड़ा ये प्रश्न भी है, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में बोल रहा हूँ। आखिर क्या उन शहजादों की जो कुर्बानी थी, उन शहजादों को जिस प्रकार से दीवालों पर चुना गया था, क्या इस देश की आज़ादी के बाद इतना कालखंड बीत गया, क्या ये काम उनके स्मरण का पहले नहीं हो सकता था? पहले भी हो सकता था, लेकिन कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। सिख भाइयों का जो योगदान है देश के लिए, उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना नामुमकिन है, बहुत बड़ा योगदान है। यदि मैं कहूँ तो सिख परंपरा एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है, उसको जीवंत करने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारी सिख परंपरा कर रही है। हमने देखा है किस प्रकार से प्याऊ लगाए जाते हैं। बलदेव भाई, मैं चूंकि इसी धरती में बड़ा हुआ हूँ, किस प्रकार से सेवा का भाव किया जाता है। नानक पता साहेब, चूंकि शायद हफ्ते में कोई एक दिन होगा, वहाँ एक फुल्ला सिंह बैठा है, वहाँ हंस रहा हो पीछे से, खड़े हो जाए जरा। तो कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन हमने नानक पता साहब गुरुद्वारा साहब में माथा न टेका हो, कोई दिन ऐसा होगा कि हमने लंगर न छका हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि किस प्रकार का और किस प्रकार का जो परिश्रम है वो हमने भली भांति देखा है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। आप देख रहे होंगे जितने भी बहुत टेढ़े टेढ़े मामले, बहुत उलझे हुए मामले, उन मामलों को सुलझाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे हमारे अन्य वर्ग की बात हो, कोई भी मामला आता है तो हर मामले में हमारा सकारात्मक रुख रहता है, चीज़ों को उलझाने में नहीं बल्कि हम सुलझाने में विश्वास करते हैं। इसीलिए बहुत सारे, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, आज विदेशों में रहने वाले अप्रवासी जो भारतीय हैं उनकी चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हरविंदर साहब में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA में परिवर्तन करके वहाँ बिना झंझट के लोगों के द्वारा दान मिल सके, इसकी चिंता भी यदि किसी ने की है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने की है। लंगर में GST न लगे, लंगर में GST न लगे, इसकी चिंता करने वाला भी अगर कोई है तो वह भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। अरे भाई जोर से आप तो ताली बजा दीजिए, इतनी बड़ी संख्या में इसमें क्या संकोच है। जो काम किया है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, या आवश्यकता है? ये मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ ना जी। अरे भाई बोलिए ना उधर से, लाठी जी बोलो, उधर वाले बोलिए जरा मैं जो बोल रहा हूँ। तो इतना इतना मतलब इतनी शांति क्यों है? तो एक बार जयकारा लगाइए ना वहां से। करतारपुर साहब नानक साहिब में 120 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर बनाकर वहां से भारत के जो हमारे दर्शन करने वाले हमारे सभी बंधु हैं वो जा सकें, इसकी व्यवस्था करने का काम भी आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने किया है, वह काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, इस देश के अंदर और भी सरकारें रही हैं और देश की आजादी के बाद 60 वर्षों तक
एक ही पार्टी का शासन रहा है, 60 वर्षों तक एक ही पार्टी का शासन रहा है, उसमें से भी 55 सालों तक एक परिवार का शासन रहा है। और जो सिखों पर 1984 में जो अत्याचार हुए और अत्याचार करने वालों को किस प्रकार से सम्मानित किया गया, ये हम सब भली भांति जानते हैं। आखिर कौन थे गुनाहगार, सिख भाइयों को कभी भूलना नहीं चाहिए। कौन थे कातिल, कौन थे वो अत्याचारी, कौन थे वो लोगों का सरेआम कत्लेआम करने वाले, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे हरेक सिख भाई का है, हरेक भारतवासी का है कि किन लोगों ने इस प्रकार का अत्याचार किया। और 1984 के दंगों में जो दिल्ली में हुए थे, वो खुलेआम घूम रहे थे, उनको कोई सजा नहीं दी जा रही थी, उल्टा सम्मान दिया जा रहा था उनके लिए। अभी हमारे मंत्री जी बोल रहे थे एसआईटी बनाकर जेल भेजने का काम अगर किसी ने किया तो अरे ये जितनी बातें मैंने बोली कोई गलत बात तो नहीं बोली थी, कोई झूठ तो नहीं बोला जी। हाँ वैज्ञानिक जी तुसी दसो जोर से क्या बोल रहे भाई। अफगानिस्तान की जो तालिबानी हुकूमत थी, वहां से पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को ससम्मान भारत लाने का काम अगर किसी ने किया जी, भाइयों बहनों अगर पहले की सरकारें भी ये सब चाहती तो ये सब काम बहुत पहले किया जा सकता था। इच्छा शक्ति की कमी थी या वो करना नहीं चाहते थे, जिसका दुखद परिणाम ये हुआ कि आज सत्ता को पाने के लिए विपक्ष को धुर विरोधी जितने दल हैं जो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, आज दलबैया कर रहे हैं, आज गठबंधन कर रहे हैं। ये गठबंधन कोई सरकार बनाने के लिए नहीं है, कोई देश बनाने के लिए नहीं है, ये गठबंधन केवल और केवल अपनी पार्टियों का अस्तित्व बचाने के लिए या अपने परिवारों को बचाने के लिए हो रहा है। और अभी देखिए आप 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, किस प्रकार से इस जो बेबेल गठबंधन है उसको जनता ने नकार दिया है। सेमीफाइनल था इस बार का चुनाव और इस सेमीफाइनल में 3 राज्यों में जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो इस बात का प्रमाण है। वैसे तो आप सभी जागरूक हैं, फिर भी मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जैसे जैसे चुनाव आता है तो ये रंग बदलेंगे और आप सभी को कुछ न कुछ बातें कहकर बरगलाने का काम करेंगे। लेकिन हमें इस बार ये मैंने जो 4-5 चीजें मैंने इसलिए रखी कि कम समय है, बहुत देर से आप आए हुए हैं, बहुत भाषण आपने यहाँ से सुन लिए हैं, मैं उनको दोहराना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ वो बिल्कुल 99% नहीं 100% सत्य है। 100% जो बातें धरातल पर हैं उन्हीं को मैंने आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है। इसलिए आप सबको इस बार आने वाले समय में इनको मुंह तोड़ जवाब देना है, भाइयों बहनों मुंह तोड़ जवाब देना है, काम को प्राथमिकता देनी है।